सो हे एवरीवन, व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी लोग, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो गाइस, काफी दिनों से एक भाई के कमेंट आ रही थी, एंड भाई मतलब जो केटीएम आरसी 200 हो गए 18-19 मॉडल, इनका भाई स्पार्क प्लग किस तरीके से चेंज करता है एंड कहां पे होता है, उस भाई को बिल्कुल मतलब पता ही नहीं था। तो सॉरी, चलो कोई नहीं, मैं बताऊंगा एंड आपने मेरे को कमेंट किया तो मैं बताऊंगा। और आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, और ज्यादा बिल्कुल भी लंबी नहीं करूंगा, बिल्कुल डिटेल में आते हैं। पीछे बाइक आ रखी है एंड फिलहाल में खोल भी रखी है, तो फिलहाल में बाइक दिखाते हैं एंड फिलहाल में बाइक में मतलब जो स्पार्क प्लग वगैरह किस तरीके से खोलते हैं बताते हैं, एंड उसका जो टूल है कौन सा होता है कैसे लगता है, ऑलमोस्ट सभी बातें आपको बताएंगे। तो फिलहाल में अभी बाइक दिखाते हैं एंड किस तरीके से स्पार्क प्लग खोला वो भी दिखाते हैं। तो गाइस, बाइक ये चेक करो, एंड अभी फिलहाल में इसकी कर रहा था मैं सर्विसिंग, एंड फिलहाल में अभी पूरी बिखेर रखी है, खोल रखी है, इसके पार्ट वगैरह ये चेक करो। एंड फिलहाल में बात करें स्पार्क प्लग की, सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो फिलहाल में जो कि स्पार्क प्लग होता है वो होता है बिल्कुल टॉप पे एंड हेड के बिल्कुल टॉप पे। बाकी और गाड़ियां जो देखिए आपने नॉर्मली ऐसे खोल देते हो साइड में से, उसमें खुल जाता है, बट जो केटीएम की जितनी भी बाइकें हैं सभी का देते हैं टॉप पे स्पार्क प्लग। तो जैसा कि यहाँ पे चेक करो, ये स्पार्क प्लग आपको दिख ही रहा होगा, स्पार्क प्लग नहीं दिख रहा होगा, अडेप्टर दिख रहा होगा, एंड अडेप्टर ये रहा, तो फिलहाल मैं वो भी अभी खोल के दिखा दूंगा। एंड एयर फिल्टर यहाँ पे रहता है, फ्यूल फिल्टर टैंकी के नीचे रहता है, ठीक है। तो स्पार्क प्लग को निकालने के लिए सिंपल करना कुछ नहीं है, पहले तो आपको टैंक खोल लेना, वो कैसे खोलना है उस पर नेक्स्ट टॉपिक है, वो अगर कमेंट कर देना अगर सीखना तो मतलब बता दूंगा किस तरीके से खोलना है। बाकी स्पार्क प्लग की कंडीशन बता, कैसे चेक करना है, कैसे खोलना है और उसका टूल कौन सा है, उस टॉपिक पर आज ये वीडियो बननी है। तो नॉर्मली स्पार्क प्लग का अडेप्टर ये रहा, इसे इस तरीके से घुमाने के बाद में पुश करना है ऊपर की साइड में, मतलब ऊपर की तरफ में खींचना है, तब ये आराम से नॉर्मली अपना निकल जाएगा। जैसे कि ये चेक करो, अडेप्टर अपना निकल चुका है, एंड अडेप्टर को चेक कर लेना, इसमें कार्बन वगैरह तो नहीं है, क्या है ना पानी वगैरह घुस जाता है ना, तो इस वजह से मतलब इसमें पानी घुस जाता है। बाकी इसकी बात करें टूल की, तो टूल भाई मतलब आप ही के पास रहता है, बट अक्सर लोगों को पता ही नहीं रहता कि भाई मतलब टूल है या हमारे पास या नहीं है। टूल किट आपकी मतलब जो टूल होता है ना इसका स्पार्क प्लग का, वो आपकी टूल किट में रहता है। जैसे कि ये देखो टूल किट सर की ये रही, एंड इसी में टूल रखा हुआ है, और टूल कैसा होता है वो भी अभी आपको दिखाते हैं। बाकी आप खोल के देख लेना, हम मुझे क्या करना, टूल किट है हमारे पास में ऑलरेडी, टूल रहते हैं सेम। स्पार्क प्लग का टूल ये रहा, एंड जो कि ये टूल है ना ये आपकी टूल किट में ही आता है। तो नॉर्मली आपको मतलब शोरूम वर्कशॉप से लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपकी टूल किट में ही मतलब दे देती है कंपनी, बाकी आप यहाँ से मतलब टूल किट में से भी निकाल के अपना यूज कर सकते हो। एंड स्पार्क प्लग का जो कोई टूल ये रहा, नॉर्मली करना क्या है, इसमें पुश कर देना, बाकी अपने जो भी आपके पास में गोटी वगैरह हो उससे आप अपना खोल सकते हो। जैसे ये नॉर्मली पुश हो गया, एंड चाहे आप इसे अपने किसी से भी खोल सकते हो, चाबी से ज़्यादा टाइट नहीं होता है वैसे, यहाँ अगर चेंज नहीं गया हो तो हार्ड हो गया होगा, तो आप गोटी से खोल लेना या पानी से खोल लेना, पाना यहाँ पे लगेगा नहीं और गोटी ही लगेगी, तो गोटी से आप खोल लेना। फिलहाल में अपने पास तो गोटी ये टी पड़ी हुई है, इसी से खोलेंगे, एंड चलो इसे खोलते हैं, लेट्स गो नाउ। नॉर्मली इसे इस एंगल में खोलना है, ऐसे ये देखो बोल्ट हमेशा मतलब उल्टा मतलब खुलता है, सीधा ही टाइट होता है, ठीक है। तो ये खोल रहा हूँ अभी मैं, इस तरीके से खोल दिया, एंड ये आ गया स्पार्क प्लग। एंड अगर ये ऐसे है तो आपको करना कुछ नहीं है, नॉर्मली मैग्नेट वगैरह हो उससे निकाल लेना, एंड मैग्नेट वगैरह भी आपके पास में नहीं हो तो नॉर्मली अडेप्टर से निकाल लेना, अडेप्टर को इस तरीके से इसमें पुश करना, इस तरीके से, जैसे कि अभी आप पूरे लास्ट तक देख रहे हैं एंड पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। नॉर्मली अडेप्टर को आपने पुश किया, एंड पुश करने के बाद में नॉर्मली अडेप्टर को पीछे खींच दिया, एंड स्पार्क प्लग आपका बाहर आ जाएगा। जैसे कि ये चेक करो, स्पार्क प्लग भी अपना बाहर आ चुका है, एंड स्पार्क प्लग की जैसे कि अपना कंडीशन वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हो, एंड जो कि बीच में ये पॉइंट बना हुआ है एंड जो लेयर बनी हुई है ये मतलब पूरा खत्म ही हो चुका है, जैसे कि आप ये चेक करो लास्ट तक। तो फिलहाल अभी मैं इसे चेंज करने वाला हूँ, एंड किस तरीके से चेंज करता है और किस तरीके से इसे खोलता है पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया, एंड समझ में आपको चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।